चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स हैं? सीएमए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स में जिन बच्चों का एग्जाम 2023 में है, 13th एडिशन की बुक, फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, पहले एक घंटे में जो फॉर्मेट पढ़ते हैं, सर ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन से इनकम आती है, ट्रस्ट को प्रॉपर्टी से इनकम आती है, सबको हम लोग ऐड करते हैं, ट्रस्ट को इंसिडेंटल बिजनेस से इनकम आती है, ट्रस्ट को रेंटल से इनकम आती है। क्लास के अंदर एक फॉर्मेट सीखा है पहले एक घंटे में। ट्रस्ट की तीन क्लास आप लोगों को दी हुई है, तीनों क्लास यूट्यूब पे भी थी और क्लास में पढ़ाया हुआ भी था, 12th एडिशन की बुक, 12th एडिशन की क्लास। जो पहले एक घंटे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मेट पढ़ते हैं, उसमें कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। यानी ट्रस्ट की जो इनकम अगर निकालने पर क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट की इनकम कॉम्प्यूट करो, तो जो आपने क्लास में पढ़ा है वैसे ही बनाना है। कुछ कुछ बातें न्यू आई हैं, जैसे ट्रस्ट के केस में एक सेक्शन आ गया है, एक स्पेशल रेट आ गया है 30% का, और 30% को ही मैं कनेक्ट करके दे दूंगा। आधे घंटे बने रहिए तो ट्रस्ट से रिलेटेड सारी अमेंडमेंट्स मैं आपको बता दूंगा। सर हम लोग ट्रस्ट की क्लास में ट्रस्ट की वेरियस इनकम को पहले ऐड करते हैं। मान लो इंसिडेंटल कोई बिजनेस है तो उससे होने वाला प्रॉफिट, ट्रस्ट की कोई रेंटल इनकम है, ट्रस्ट को कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, ट्रस्ट को कोई पैसिव इनकम है इंटरेस्ट डिविडेंड की, तो वो सब हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट 15% का एक्यूमुलेशन सेट असाइड कर देते हैं कि भाई ट्रस्ट 15% का अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकती है अपने फ्यूचर में ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। कर दो माइनस। अब बैलेंस को तुम्हें ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च करना है, जिसको हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि तुम सेम ईयर में दूसरों को डोनेशन दे सकते हो, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो, पुराना कोई लोन है तो उसको रीपे कर सकते हो, या फिर उसको तुम 5 साल के लिए एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। पढ़ते हैं क्लास में। उसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर ट्रस्ट को कोई इनकम हुई है लेकिन वो रिसीव नहीं हुई है, तो वो उसको बाद में खर्चा कर सकता है। अभी माइनस कर दे, बाद में खर्चा कर सकता है, कब, जिस ईयर में रिसीव हुई है और उसके अगले साल। और एक हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि ट्रस्ट को अगर कोई इनकम लास्ट मोमेंट पे हुई है, से मार्च में वो पैसा खर्च नहीं कर पाया, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एओ से परमिशन लेके, कुछ फॉर्म्स होते हैं उसका परमिशन लेके उस पैसे को वो अगले साल खर्च कर ले। सर इस तरीके से हम लोग ट्रस्ट की इनकम निकालते हैं और स्लैब रेट पे टैक्स देते हैं। कहीं कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहां है, अब धीरे धीरे करके हम लोग चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन दिखाना चाहता हूं, पेज नंबर 7.19 पे मेरे सामने 13th एडिशन की बुक है, Volume 1 CMA फाइनल के स्टूडेंट। पेज नंबर 7.19 पर मैंने एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 115 BBI, 30% का टैक्स रेट रिकमेंड किया है। सर एक सेक्शन आपने इसी के आसपास पढ़ा, बिटकॉइन वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, कि भाई क्रिप्टो करेंसी की इनकम है तो 30% का टैक्स दो, वही उसी के आसपास ये सेक्शन है जो बोलता है ट्रस्ट को 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बोला सर आपने तो हमें क्लास में पढ़ाया हुआ है। हाँ क्लास में एक सेक्शन पढ़ाया हुआ है 115 BBC, अनोनिमस डोनेशन। अगर कोई डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रहा है जिसमें डोनर का नाम नहीं बताया जाएगा, तो वो एक लाख और 5% का एक बेनिफिट लेने के बाद बैलेंस पे आपको 30% का टैक्स देना है। ये अलग है। ये तो आपने जो पढ़ा वो सही है, इसमें कोई अमेंडमेंट है ही नहीं अनोनिमस डोनेशन को लेके। सर एक ऑलटुगेदर नया सेक्शन आ चुका है ट्रस्ट के लिए। क्या हो रहा था, ये जो ट्रस्ट है या उसके ट्रस्टीज हैं, फाउंडर्स हैं, एक तरह से ट्रस्ट के थ्रू काफी सारा मैनिपुलेशन कर रहे थे, टैक्स को अवॉइड कर रहे थे, ट्रस्ट के टैक्स को पे कर, मतलब ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहे थे, किसी तरीके से बेनिफिट लेके टैक्स बचाना चाह रहे थे। उन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़े से हार्ड डिसीजन लिए हैं कि सुनो चैरिटेबल ट्रस्ट, तुम कुछ कुछ वायलेशन करोगे तो उस वायलेशन से होने वाले इनकम पर हम सीधा 30% का टैक्स लगाएंगे। अब वो वायलेशन वाली कौन कौन सी इनकम है वो मैं कनेक्ट करके दे दूंगा, सारी आपकी पढ़ी हुई है, एक इनकम है जो मैंने अलग से ऐड किया, अदरवाइज सब आपकी पढ़ी हुई है, अभी बहुत मजा आएगा आपको। कहता है चैरिटेबल ट्रस्ट की कुछ इनकम है, सर्टेन इनकम जिसको हमें 30% पे टैक्स करना है। रेफरेंस आने दीजिए 1023C का, डरना नहीं है, आपको चैरिटेबल ट्रस्ट पे फोकस करना है। सीएमए फाइनल के सिलेबस में 1023C नहीं है, डिटेल्ड डिस्कशन। सेक्शन 11-12 वाला जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको आप
को ध्यान में रखना है, मैं हमेशा क्लास में यही कहता हूं। तो कहता है एक स्पेशल रेट इंट्रोड्यूस किया है चैरिटेबल ट्रस्ट की स्पेशल इनकम के लिए, बाकी स्लैब रेट पे स्लैब रेट का टैक्स दो तुम। सर चैरिटेबल ट्रस्ट को जो इनकम होती है वो इंडिविजुअल के स्लैब रेट पे टैक्स देती है, देगी। अब यहां कुछ खास खास इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा और लगते समय कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, कोई अलाउंस माइनस नहीं होगा, कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। अब ये कौन कौन सी इनकम है सर? सर ये कौन कौन सी इनकम है ये लिस्ट दे रखी है, अभी मैं पढ़ाते समय कनेक्ट भी करूंगा, थोड़ा समय कनेक्ट कर दूंगा आपको। सर ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम पर 30% का टैक्स, कौन कौन सी इनकम? अब मान लो ट्रस्ट को बोला गया था तुम 15% एक्यूमुलेट कर सकते हो बिना किसी कंडीशन के, ट्रस्ट और ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहती है। मान लो ट्रस्ट बोलती है मैं 50% एक्यूमुलेट करूंगा 15% की जगह। अच्छा भाई एक्यूमुलेशन करना है तो तुम 11(3) में चले जाओ, वो 5 साल की एक्यूमुलेशन के लिए जहां फॉर्म नंबर 10 सबमिट करते हैं और 5 साल के लिए अमाउंट को एक्यूमुलेट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। नहीं सर उसमें भी नहीं जाना मुझे, मुझे वो 5 साल वाली ऑब्लिगेशन नहीं लेनी सर, फॉर्म नंबर 10 सबमिट नहीं करना है और एक्यूमुलेट भी करना है। तो अगर तुम 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करोगे, यानी ट्रस्ट को 100 रुपए की इनकम हुई उसमें से 15 रुपए की जगह तुमने मान लो 30 रुपए एक्यूमुलेट कर लिए, तो 15 का तो बेनिफिट मिल गया, बचा 15। अब उसके लिए तुमने कोई फॉर्म ही सबमिट नहीं किया, भाई अगर वो पैसा लास्ट में लेट से मिला है तो उसके लिए तुम परमिशन लेके अगले साल खर्च कर लो। सर कुछ ऐसी इनकम थी जो रिसीव नहीं हुई है तो उसको रिसीव वाले ईयर में खर्च कर लेना, या फिर तुम 5 साल के लिए एक्यूमुलेट कर लो परमिशन लेके, फॉर्म नंबर 10 सेक्शन 11(3) हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 11(2) पढ़ते हैं पेज नंबर 7.5 पे। 11(2) में आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए 5 साल के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं पैसे को, लेकिन फॉर्म नंबर 10 आपको सबमिट करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट और उसके पहले। अब आपने कोई फॉर्म भी सबमिट नहीं किया और पैसा भी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं 15% से ज्यादा, तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना होगा, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करते समय कोई फॉर्म ही सबमिट नहीं किया कि सर एक्सेस पैसा क्यों एक्यूमुलेट करना चाहते हैं आप, किस पर्पस के लिए। तो आपको उस एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन पे जिसके लिए आपने कोई फॉर्म का कंप्लायंस नहीं किया 30% का टैक्स देना होगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है सर, तो आपने पैसा एक्यूमुलेट कर लिया था 5 साल के लिए, राइट। अब 5 साल के लिए मैं सीधा उसी पॉइंट पे लेके चलता हूं, अभी मैं तुमको कनेक्ट करवा देता हूं कि कहां कहां ये 30% का टैक्स लगेगा। सर आपने यहां पर क्या पढ़ा, पेज नंबर 7.5 पे सेक्शन 11(2) में आपने पढ़ा कि आप 15% के अलावा और भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको ड्यू डेट के पहले पहले फॉर्म नंबर 10 में परमिशन लेनी होगी स्पेसिफिक पर्पस के लिए 5 साल के लिए पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। सर यहां मान लो तुमने 5 लाख रुपए एक्यूमुलेट किया लेकिन ये फॉर्म नंबर 10 सबमिट नहीं किया, तो तुमको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बोला नहीं सर एक्यूमुलेट कर लिया, फॉर्म नंबर 10 भी सबमिट कर दिया, तो क्लास में क्या पढ़े थे तुम ये कोई भी काम नहीं करोगे 5 साल तक, उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे 5 साल के लिए, तुम उस 5 साल के लिए जो एक्यूमुलेट किए उस पैसे को तुम दूसरों को डोनेशन नहीं दोगे। सर सेम ईयर क्या पढ़े क्लास में, ट्रस्ट की इनकम को आप सेम ईयर में दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करके डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करोगे तो फिर दूसरे को डोनेशन देना मना है, दूसरे ट्रस्ट को आप डोनेशन नहीं दे सकते, किसी और पर्पस के लिए बिना परमिशन के खर्च नहीं कर सकते, 5 साल के लिए स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट करके रखना होगा, ठीक। सर अब तुम यहां कॉन्ट्रावेंशन कर देते हो उसको, 5 साल तक खर्च नहीं कर पाते हो, किसी दूसरे को डोनेशन दे देते हो, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लेते हो, या स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट मोड में इन्वेस्ट नहीं करते हो, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करोगे 30% पे टैक्स लगेगा। और सुनो यहां एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, क्या हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, अगर तुम पैसे को 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करते हो तो 5 साल में जो खर्चा किए वो माइनस हो जाएगा, 6ठे साल भी खर्च कर सकते हो, वो 6ठे साल का ऑप्शन खत्म हो गया है। क्लास के अंदर आपको अगर याद हो ट्रस्ट की क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करते हो तो अगले 5 साल तक पैसा खर्च करना होगा, 1 साल का और ग्रेस मिलता था, या 6ठे साल का भी अगर खर्चा करते थे तो माइनस हो जाता था। मान लो तुमने टोटल एक्यूमुलेशन की है 10 लाख रुपए की, 5 साल तक खर्चा किया है 8 लाख,
तो मैं बोलता था कि एक साल और ग्रेस मिलेगा तुमको बिकॉज ऑफ यहां जो पहले लाइन लिखी हुई थी, छठे साल भी खर्च करोगे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अब छठे साल का ऑप्शन नहीं है। एक दूसरा, पांच साल में जो पैसा नहीं खर्च कर पाओगे उस पर तुमको 30% का टैक्स देना पड़ेगा नए वाले सेक्शन में 115BBI में, या कोई और कॉन्ट्रावेंशन करोगे से तुमने पांच साल के लिए एक्यूमुलेट करने के बाद तीसरे साल उसमें से 1,00,000 रुपए दूसरे को डोनेशन दे दिया तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया 30% का टैक्स। तो 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हो करो, फॉर्म नंबर 10 टाइम पे सबमिट कर दो, परमिशन ले लो एओ से कि सर मैं इस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर रहा हूं इस सेक्शन के अंदर। नहीं जी भूल गए सर, नहीं किए, 30% का टैक्स देना होगा। डिफॉल्ट 15% तक का एक्यूमुलेशन करो, ज्यादा करोगे तो परमिशन लो, भूल गए तो 30% का टैक्स दो। और एक्यूमुलेट करने के बाद कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो फिर 30% का टैक्स। और यहां एक साल का जो ग्रेस था वो भी अमेंड हो चुका है, अब आपको एक साल का और ग्रेस नहीं मिलेगा। मैंने 13th एडिशन की बुक में कुछ कुछ सॉल्यूशन में मॉडिफिकेशन कर दिया है। आपको क्लास में जो 6th ईयर का बेनिफिट लेना सिखाया था मत देना, और 5वें साल के एंड पे पैसा नहीं खर्च कर पाओ तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर जो बैलेंस बचेगा उस पे 30% का टैक्स 5th ईयर में देना पड़ेगा। सर 5th ईयर तक जो पैसा खर्च कर पाए कर पाए, वरना 5th ईयर जो है उसमें तुमको बैलेंस पे 30% का टैक्स देना होगा। ठीक, क्लियर सर। और क्या है बताना सर? और ये वाला कौन सा पॉइंट है सर 30% के अंदर? ये जो सेक्शन आया है 115BBI, उसमें सर ये पॉइंट हो गया कि आपने ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिया लेकिन एओ से परमिशन नहीं लिया है तो 30% का टैक्स दो। अगर आपने एक्यूमुलेशन करने के बाद वॉयलेशन किया है तो उस पर 30% का टैक्स दो। सर ये कैसा वॉयलेशन है? ये भी क्लास में बताया हुआ है। वो जो तुमने बोला था ना सर कि सर ये पैसा मुझे बहुत लास्ट में मिला है, मैं अब इसको चैरिटेबल पर्पस के लिए कैसे खर्च करूं, चलो अगले साल के लिए कर लो खर्च। क्लास में पढ़ते हैं ना कि करंट ईयर में माइनस कर दो, सेइंग कि सर आई एम अनेबल टू यूज इट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ये पैसा मुझे लास्ट में मिला है, 30 मार्च को कोई डोनेशन दे गया तो मैं कैसे खर्च करूं। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है अगले साल खर्च कर लो। अब मान लो तुमने वहां 1,00,000 माइनस कर दिया और अगले साल तुमने मान लो 80,000 खर्च किए तो बचे कितने? 20,000 पे तुमको यहां 30% का टैक्स देना होगा। और सुनो जो सर क्लास में पढ़े थे ट्रस्ट के अंदर कि पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो उसको माइनस कर दो कि सर जिस ईयर में रिसीव होगा उस ईयर में खर्च करेंगे, और वहां 1 साल का ग्रेस मिलता था तो वो 1 साल का ग्रेस मिलेगा लेकिन पैसा नहीं खर्च कर पाए तो वो जो अगले साल है 30% पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, आपने क्लास के अंदर जो यहां पर पॉइंट पढ़ा है ये वाला पॉइंट 11(3) का कॉन्ट्रावेंशन, इसमें जो 1 साल का ग्रेस मिलता था वो नहीं मिलेगा और यहां पर जो अमाउंट टैक्सेबल होगा वो 30% पे टैक्स होगा। क्लियर? अब यहां पर जो अगर फॉर्म्स का कंप्लायंस नहीं किया और एक्यूमुलेट करना चाहे तो एक्यूमुलेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि फॉर्म का कंप्लायंस नहीं किए और वो 15% से ज्यादा हो गया तो तुमको उस ज्यादा पे 30% का टैक्स देना होगा। क्लियर? यहां पर आते हैं पीछे थोड़ा सा, यहां पर क्लास में अंदर बताया हुआ था कि तुमको अगर कोई ट्रस्ट की इनकम रिसीव नहीं हुई है तो उसके लिए तुम एओ से यहां पर फॉर्म 9A के थ्रू परमिशन ले लो कि सर जिस ईयर में ये रिसीव होगा उस ईयर या उसके अगले साल खर्च कर देंगे। तुम इस पैसे को खर्च नहीं कर पाओगे तो इनकम, उस इनकम पे तुमको 30% का टैक्स देना होगा। और या फिर कोई और रीजन से तुम ये बोलते हो कि सर वही ट्रस्ट का पैसा बहुत आखिरी में मिला है इनकम ट्रस्ट को, सर मार्च में मिला, ये पैसे को मैं अगले साल खर्च कर दूं, माइनस कर दो लेकिन अगले साल खर्च नहीं किए तो डिम्ड इनकम और इनकम को 30% पे टैक्स देना होगा तुमको। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको क्लास में सिखाया गया था कि ट्रस्ट की इनकम को पहले ऐड कर दो उसके बाद उसमें से 15% साइड कर दो, बचा जो पैसा उस पैसे में से अगर तुम कोई पैसा माइनस कर रहे हो इन रीजन से और तुम अगले सालों में उसको खर्च नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट बोलती है उस पर हम 30% का टैक्स लगाएंगे। बहुत सिंपल है अमेंडमेंट्स, बहुत सिंपल है सर। और कौन सा पैसा है सर? ट्रस्ट की जो इनकम होती है उसको स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ता है एज पर 11(5). ट्रस्ट की इनकम जो तुम 5 साल के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हो या फिर जो 15% वाली एक्यूमुलेशन है या फिर ट्रस्ट की कोई भी इनकम जो तुम ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव में खर्च नहीं कर पा रहे हो तो उसको कहां रखोगे? स्पेसिफाइड मोड में नहीं रख रहे हो, किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर दी ऑन द कॉन्ट्रावेंशन,
अगर ट्रस्ट की इनकम को से कॉर्पस फंड है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो जो जितना रुपया कहीं और इन्वेस्ट करोगे उस पर 30% का टैक्स लगाना पड़ेगा तुमको। और सुनो, ट्रस्ट के पैसे को तुम स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज करोगे, फाउंडर, ट्रस्टीज, जिन लोगों ने 50,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो लोग, 13(3) की लिस्ट है ना ट्रस्ट के अंदर, 13(3) की लिस्ट पढ़ते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट है, ऑथर है, फाउंडर है, ट्रस्टीज हैं, वो लोग जिन्होंने 50,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनके रिलेटिव्स और उन लोगों का जहां कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, अगर आप उन लोगों को ट्रस्ट का फायदा पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रस्ट ने 2,00,000 रुपए का फायदा पहुंचाया ट्रस्टी को, तो उस 2,00,000 रुपए का तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं सेक्शन 11 में, ठीक, और उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपने क्लास में पढ़ी हुई थी यहां से लेकर यहां तक, जिसपे 30% टैक्स का अब एक नया सेक्शन आ गया 115BBI 30%। और इन सब इनकम पर टैक्स लगाते समय आपको कोई खर्चा अलाउंस या लॉसेस सेट ऑफ भी करने नहीं मिलेगा। एक ये नया पॉइंट नहीं पढ़ाते थे क्लास में क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, अब चूंकि ये पॉइंट ऐड हो चुका है इस सेक्शन में 115BBI में, इसलिए इस पॉइंट को पढ़ना जरूरी है, यहां पर मैंने इस पॉइंट को ऐड किया है पेज नंबर 7.2 में। ये वाला पॉइंट मैंने यहां ऐड किया है कि अगर तुम्हारा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनकम डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट विच इज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1/4/1952 फॉर चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस इसमें नहीं आता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तुमने एस्टेब्लिश किया है जिसकी इनकम को तुम किस पर्पस के लिए खर्च करते हो, टू प्रमोट इंटरनेशनल वेलफेयर इन विच इंडिया इज इंटरेस्टेड, इंडिया किसी इंटरनेशनली किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है उसके वेलफेयर के लिए, कोई मान लो अंडर डेवलप्ड कंट्री है और उसके वेलफेयर को इंडिया सपोर्ट करता है और तुम्हारा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इसी पे काम करता है इंडिया के इंटरनेशनल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव पे, तो तुम जितना भी रुपया उस पर्पस के लिए खर्च करोगे आउटसाइड इंडिया उसका तुमको सेक्शन 11 में एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक, यानी तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करता है जिसमें इंडिया इंटरेस्टेड है, 5,00,000 की इनकम हुई, 5,00,000 इंडिया से बाहर मैंने उस कंट्री में जाके खर्च कर दिया, फुल्ली एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट अब क्या कहता है, तुमने उस पर्पस के लिए पैसा नहीं खर्च किया, तुम्हारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट था जो इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बना था, अब तुम ट्रस्ट की इनकम को वहां खर्च ही नहीं कर रहे हो तो ये तो धोखा है, तो तुमको स्लैब रेट नहीं 30% का टैक्स लगेगा इस नए सेक्शन के अकॉर्डिंग। सर ये पेज आपका कंप्लीट, पेज नंबर 7.19 115BBI से रिलेटेड 30% का टैक्स है और कहीं ना कहीं तुमने कॉन्ट्रावेंशन की, स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की, जो स्पेसिफाइड मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहां तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट किया, फॉर्म सबमिट नहीं किया, एक्यूमुलेशन करने के बाद वॉयलेशन कर दिया, 5 साल के अंदर खर्च नहीं किया या किसी और को डोनेशन दे दिया, डिम्ड इनकम का पॉइंट मैंने बता ही दिया, ये एक एग्जाम्पल है, वही 5 साल के लिए तुमने पैसा एक्यूमुलेट किया 5,00,000 रुपया, लेकिन उससे रिलेटेड तुमने फॉर्म नंबर 10 सबमिट नहीं किया, तो अब ऑब्वियस ही बात है ये नया सेक्शन लगेगा और वो बोलता है 30% का टैक्स। चलो सर, ट्रस्ट से रिलेटेड पेज नंबर 19 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं है, 19 वॉज द लास्ट पेज, अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। सर फर्स्ट पेज पे ट्रस्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये बॉक्स मैंने ऐड किया है, ये आप पहले से जानते हैं कि ये 20% के कारण अगर मान लो तुम्हारा एक्टिविटी चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कहलाएगा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा लेकिन तुमको सेक्शन 11-12 का उस ईयर में बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ये क्लास में बताया हुआ था, ये टेबल मैंने ऐड ऑन किया, इसमें नया कुछ भी नहीं है। अभी मैंने बताया बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी परमिशन के 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करोगे तो एक्सेस एक्यूमुलेशन पे 30% का टैक्स लग जाएगा, ये पॉइंट मैंने जो नया ऐड किया वो बता ही दिया। सर अगर गिवन पर्पस पे तुमने पैसा यूज नहीं किया तो 30% का टैक्स यहां भी रिकमेंडेड है। उसके अलावा इस पेज पे ये वाला पैसे का तुम डिडक्शन ले लो फर्स्ट ईयर में। सर प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 में तुमने ये माइनस कर दिया कि सर ये पैसा जब रिसीव होगा मैं उस ईयर में खर्च करूंगा और उसके अगले साल खर्च करूंगा,
नहीं किए 30% का टैक्स दो, इस साल डिडक्शन ले लो। सर इसका डिडक्शन क्या बोल के लिए, अगले साल खर्च कर दूंगा सर, अभी लेट हो गया है, मार्च में पैसा मिला है, कहां खर्च करूंगा सर, अगले साल कर दूंगा। तुमने इस साल माइनस कर दिया, अगले साल खर्च नहीं किए 30% का टैक्स दो, बस। और कोई चीज नहीं है इस पेज पे, इस पेज पे आप जो जैसे पढ़े थे वैसे ही है, देख लीजिए। अब यहां एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, एक ऐसा कह लो रिलीजियस, ये बेसिकली एक रिलीजियस ट्रस्ट है सर, एक ऐसा ट्रस्ट इंस्टीट्यूट जो टेंपल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, वर्शिप प्लेसेस को चला रहा है, ठीक। अच्छा, इनको डोनेशन मिलते हैं रिपेयर और रिनोवेशन के लिए, बट पॉइंट है कि ये जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, वर्शिप यानी पूजा करने के जो स्थान है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट बोल के सेक्शन 11 का बेनिफिट ले रहे हैं। अब इनको लोगों ने डोनेशन दिया कि मंदिर का रिपेयर करवा लो, लेकिन रिपेयर हर साल तो होता है नहीं, अब रिपेयर जब टूटेगा तब करवाएंगे ना, तो इनको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला रिपेयर के नाम पे, रिनोवेशन के नाम पे। बट पॉइंट है कि मान लो मेरा मंदिर है चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट बोल के रजिस्टर्ड है, किसी ने 5 लाख रुपए डोनेशन कर दिया मंदिर के रिपेयर के लिए, और सामने वाले ने 80G का बेनिफिट भी ले लिया। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं 80G में फोर्थ नंबर वाला जो हिस्सा होता है उसमें पढ़ते हैं कि आप जो रिनाउंड प्लेस ऑफ वर्शिप है उसके रिपेयर रिनोवेशन के लिए डोनेशन देके 80G का बेनिफिट ले सकते हो। अब सामने वाले ने रिपेयर के लिए पैसा दिया, अब मैं हर साल रिपेयर थोड़ी ना कराऊंगा, तो यहां पर बोला, एक अमेंडमेंट आई और बोला कि तुम इसको कॉर्पस ट्रीट कर लो, कॉर्पस ट्रीट करके सेम ईयर में खर्च करने की जरूरत नहीं है, आगे लेकिन इसी पर्पस के लिए खर्च करना, और किसी पर्पस में इसको यूज मत करना, किसी दूसरे को डोनेशन मत देना, इसको अलग से रखना और स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट करके रखना। अगर ये सब कर लेते हो तो तुमको सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा, इस पैसे पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का जो रिलीजियस ट्रस्ट है उसको 5 लाख रुपए का डोनेशन मिला है रिपेयर रिनोवेशन का, लेकिन वो इस साल खर्च नहीं कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको कॉर्पस ट्रीट करके बेनिफिट ले ले, एग्जम्पशन ले ले, लेकिन उस पैसे को अलग किसी अकाउंट में रखे, अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके रखे, किसी और पर्पस के लिए खर्च ना करे, किसी और को डोनेशन ना दे, और कभी भी मंदिर मस्जिद का रिनोवेशन रिपेयर हो तो उसके लिए उस पैसे को यूज कर ले, बेनिफिट मिलेगा, सेम ईयर में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एक अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं सर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, कहता है जो ट्रस्ट की इनकम में 15% माइनस करने के बाद जो 85% बचा और अब उसको ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए जो तुम खर्च करोगे तो पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, इनकर्ड बेसिस पे नहीं मिलेगा। सर तुम जब तक पे नहीं करोगे तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तुमको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, बस इतना तुमको ध्यान रखना इस पेज पे अपने एग्जाम्स के लिए। मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट में मान लो मैंने गरीबों को खिलाने के लिए, सपोज को एक एग्जाम्पल जो क्लास में लेते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट में चला रहा हूं और अब इस पैसे को जो ट्रस्ट की इनकम हुई उसमें से 15% साइड कर दिया, कितने हो 85, अब 85 रुपए में से मैंने मान लो कुछ ऐसा किया कि 40 रुपए का सामान उधार में लाया से कंबल और गरीबों को बांट दिया, कंबल लाया उधार में और गरीबों को बांट दिया, तो उधार में लेके आया, खर्चा इनकर्ड है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि ट्रस्ट ने अपने स्टाफ की सैलरी को डेबिट तो कर दिया है लेकिन पेमेंट अगले साल की है, तो डिडक्शन अगले साल मिलेगा, इस ईयर में नहीं मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा खर्चों का। तुमको ये ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम्स के लिए। अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23 है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा असेसमेंट ईयर तो 23-24 है। सर ट्रस्ट की जो कैलकुलेशन करोगे घटाने की, माइनस करने की, खर्चे पेड बेसिस पर माइनस करना, सर ये अमेंडमेंट्स है, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां पर हमें खर्चों को माइनस करना है, 10 लाख के खर्चे में से पेमेंट 9 लाख की हुई है, तुम सिर्फ 9 लाख रुपए माइनस करना, पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। चलिए सर ये एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ ही है,
और इस पेज पर मैंने बता ही दिया था, फॉर्म 10 सबमिट नहीं करके एक्यूमुलेट करोगे तो उस पर 30% का टैक्स दो, और अब यहां वॉयलेशन करोगे तो इस पर भी 30% का टैक्स दो। हिंट मैंने दे ही दिया है, यहां पर भी मैंने आपको बता ही दिया कि इन सब पर्पस को बोला जाता है 11(5) का स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तुमने इन सब जगह इन्वेस्टमेंट ना करके कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर भी तुमको 30% का टैक्स लग जाएगा एज पर न्यू सेक्शन। चलिए सर, और कोई अमेंडमेंट्स नहीं दिख रही है इस पेज पे, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, टेबल यही क्लास में जो आपने पहले पढ़ा हुआ था। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपने नोट्स को रीड्राफ्टिंग किया है, अदरवाइज ये टेबल वही है जो आपने क्लास में पढ़ा था, 12AB वाला टेबल के 6 केसेस। कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, खाली थोड़ी मैंने यहाँ रीड्राफ्टिंग की है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है, रीड्राफ्टिंग की है, यहाँ चेंजेस है अमेंडमेंट्स। सर ट्रस्ट को बोला गया था तुम अपने बुक्स की ऑडिट करवाओ, ट्रस्ट को बोला गया था कि अगर तुम सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट लेना चाहते हो तो रिटर्न को टाइम पर फाइल करो, अपने बुक्स की ऑडिट करवाओ। लेकिन अब बुक्स को मेंटेन करने की, कौन कौन से बुक्स ट्रस्ट को मेंटेन करने हैं, कौन कौन से रखने हैं और कितने साल तक रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं पर रूल आ गया है 17AA का। यानी ट्रस्ट को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, ठीक है, ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है, अब ट्रस्ट को कौन कौन सी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे कैसे कितने सालों तक मेंटेन करनी है उस पर अब नया प्रोविजन आ चुका है। ट्रस्ट को स्पेसिफाइड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा एज पर रूल 17AA। अब CMA के सिलेबस में ये रूल 17AA नहीं है तो वो मैं कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसे कैसे मेंटेन करनी है, लेजर, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर, वो सब में मैं नहीं जा रहा क्योंकि रूल 17AA CA फाइनल के बच्चे पढ़ते हैं, अपन लोग CMA वाले हैं, CMA वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बट हाँ, बुक्स की रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है। अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट यहाँ है कि आप जो बुक्स मेंटेन करोगे वो कहाँ करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे करोगे, और कहीं से और प्लेस पर मेंटेन कर रहे हो तो फिर आपको 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होगा फुल एड्रेस वगैरह के साथ जहां पर तुम ट्रस्ट से रिलेटेड बुक्स वगैरह सब मेंटेन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट रख रहे हो। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। नॉर्मली बुक्स को कितने सालों तक मेंटेन करके रखना पड़ता है, हम लोग 44AA में पढ़ते हैं PGBP की क्लास में, राइट, वो नियम यहां नहीं लगा के यहां अलग से अपना ध्यान रखना है कि तुमको एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 10 साल तक के लिए बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा चैरिटेबल ट्रस्ट अगर तुम हो तो। और अगर तुम्हारा केस 147 में चल रहा है इनकम स्केपिंग असेसमेंट, तो जब तक ये असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुमको उस असेसमेंट ईयर के बुक्स रखने पड़ेंगे तुम्हारे पास। नॉर्मली सर इनकम स्केपिंग असेसमेंट का केस नहीं चल रहा है तो नॉर्मली तुमको 10 ईयर्स तक बुक्स मेंटेन करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन उस 10 ईयर्स में से किसी भी ईयर का मान लो इनकम स्केपिंग असेसमेंट चल रहा है तो जब तक इनकम स्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर पास नहीं हो जाता है, फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक तुमको उस ईयर से रिलेटेड बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो 15 साल रखो तुम 20 साल रखो, ठीक। यहां मैंने लिख ही दिया रूल 17AA हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यस सर ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 11-12 का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको ऑडिट कराने का तो रिक्वायरमेंट था ही, उसके अलावा कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सच प्लेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। टाइम मैंने आपके एग्जाम्स के लिए बता ही दिया है कितना, 10 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। और अगर इनकम स्केपिंग असेसमेंट चालू है 147 का जिस ईयर के लिए तो जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको उस ईयर का बुक्स मेंटेन करके रखना होगा। और इस पेज पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं सर, ये ऑलरेडी क्लास के अंदर जो पढ़े थे वही है, कोई खास चेंज नहीं। मैंने थोड़ी रीड्राफ्टिंग की है, थ्योरी पोर्शन सब हटा दिया है सर, वो थ्योरी हटा दी है मैंने अपने इस नए नोट से जिस थ्योरी का आंसर इस टेबल के अंदर छुपा हुआ और ये टेबल क्लास के अंदर डिस्कस हुआ है, ठीक, वो मैंने थ्योरी हटा दी है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है नोट्स को। चलिए सर कोई चेंजेस नहीं, सर ये एक बहुत अच्छा चेंज है। असेसमेंट की जब मैं अमेंडमेंट पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था सर सेक्शन 12AB का जो सब सेक्शन 4 और 5 है वो पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया है, ठीक। ट्रस्ट को हम किस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर सकते हैं वो अब नए स्पेसिफाइड कंडीशंस आ गए हैं, कोई 6 पॉइंट्स हैं ये यहां पर आपको ध्यान रखने। स्पेसिफाइड वॉयलेशंस,
अगर तुम इन पॉइंट्स में फॉल करते हो तो ये एक रीजन है जिसके बेसिस पर प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सेक्शन 12 एबी इज अमेंडेड, सब सेक्शन 4 एंड 5 सब्स्टिट्यूट हो गया। जो आपने क्लास में पढ़ा था कि ये चार पांच रीजन है जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, उसको भूल जाओ। अब आपको ये याद रखना है कि इन वॉयलेशन में से किसी में भी तुम फंसे तो ये एक रीजन बन सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का। स्पेसिफाइड वॉयलेशन की लिस्ट आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी होगी। अब पढ़ लेते हैं क्या कहता है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल अप्रूवल ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जो रजिस्टर्ड हो इन सेक्शंस में। तीन सिचुएशंस हैं जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। क्या तो प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर जिसने तुमको रजिस्टर्ड किया था वो खुद ही वो कहीं ना कहीं उसके नोटिस में आता है कि तुमने अगले पेज पे जो 6 केसेस लिखे हुए उसमें से कहीं ना कहीं कोई वॉयलेशन की है। सर हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन लगता है वो किसको लगता है, प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को। एप्लीकेशन लगवा लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया ओवर अ पीरियड साल दो साल में, क्योंकि 5 साल तक जनरली रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। साल दो साल के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को खुद ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट से तुम्हारे कंप्लायंस से लगता है कि तुम स्पेसिफाइड वॉयलेशन कर रहे हो, तो वो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा नोटिस भेज के। अभी बात करेंगे। लेकिन एक सिचुएशन है वो सुओ मोटो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले सकता है अगर उसको लगता है कि स्पेसिफाइड वॉयलेशन तुम कर रहे हो। दूसरा एओ की रिक्वेस्ट पे, यही चीज हम लोग असेसमेंट चैप्टर में भी पढ़े, असेसमेंट चैप्टर में यही चीज हम लोगों ने अमेंडमेंट बोल के पढ़ा। एओ वहां भी अमेंडमेंट हुई है और उसकी क्लास यूट्यूब पे आ रखी है। 143(3) के अंदर अमेंडमेंट हुई है और वहां एओ को क्या बोला गया है कि एओ को लगता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड वॉयलेशन किए हैं वही अगले पेज के 6 केसेस, तो वो रेफरेंस भेजेगा किसको, वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को कि सर एक बार छानबीन करना और देखना इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है क्या, और फिर वो प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर के ऑर्डर का वेट करेगा और जिसके बेसिस पर फिर वो असेसमेंट करेगा। तो एक वो केस हो गया। एंड तीसरा द केस ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द सीबीडीटी। सर सीबीडीटी कुछ और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह रन करके कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करेगी कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ये वॉयलेशन करता है तो हम उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब जो 6 वॉयलेशन है उसकी जो अगले पेज पर हम लोग स्पेसिफाइड वॉयलेशन पढ़ेंगे उसके बेसिस पर गवर्नमेंट मान लो कोई डेटाबेस मेंटेन करे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सेलेक्ट के थ्रू मान लो 100 ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और हर साल गवर्नमेंट को 5 ट्रस्ट को पिक करना है, चेक करना है कि वो स्पेसिफाइड वॉयलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है और उसका फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना है। मतलब इसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए 143(3) भी होता है। अब वो चीज किसमें आ चुकी है, मतलब एओ कुछ बोले ना बोले, कमिश्नर ऊपर नोटिस करे ना करे, मान लो सिबिलिटी की गाइडलाइंस बोलती है कि हर साल हमें 5% ट्रस्ट को चेक करना ही करना है, उसका रजिस्ट्रेशन हमें कैंसिल करे ना करे का प्रोसीड्योर उस पर अप्लाई करना ही करना है, तो फिर करना ही पड़ेगा। तो कहता है सिबिलिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से भी हम केसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल के प्रोसीड्योर के लिए, एओ की रिक्वेस्ट पे भी कर सकते हैं, और या फिर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को लगे कि ट्रस्ट ने कोई स्पेसिफाइड वॉयलेशन किया है। अब प्रोसीड्योर क्या है, नोटिस जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कॉल किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी और फाइनली एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके और बोला जाएगा कि अब उसको कोई भी बेनिफिट्स ट्रस्ट से रिलेटेड जो सेक्शन 11 और 12 के मिलते हैं वो नहीं मिलेगा। पास एन ऑर्डर इन राइटिंग कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल सच ट्रस्ट आफ्टर अफोर्डिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर सच प्रीवियस ईयर एंड ऑल द सबसिक्वेंट प्रीवियस ईयर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द स्पेसिफाइड वॉयलेशन हैज अकर्ड। और या फिर अगर लगता है कि स्पेसिफाइड वॉयलेशन नहीं हुआ है तो ऑर्डर पास करके रिफ्यूज कर दिया जाएगा कैंसिलेशन को और एओ को एक ऑर्डर की कॉपी भेज दी जाएगी अगर रिक्वेस्ट एओ से आया है। सर अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो ऑर्डर की कॉपी एओ को दे दी जाएगी कि भैया एओ
अब तुम इसका क्या कर लो, 143(3) का असेसमेंट कर लो, ले लो मुझसे ऑर्डर की कॉपी। सर ये बहुत एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना, 2 मार्क्स के लिए, कि ये जो प्रोसीड्योर स्टार्ट होगा तो ये फिनिश करने में कितना टाइम लेगा प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर, ये इस 3 बातों के बेसिस पर नोटिस भेज के कैंसिलेशन का प्रोसीड्योर स्टार्ट होगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, डॉक्यूमेंट मंगवाया जाएगा, लेकिन कोई टाइम लिमिट तो होगी सर कैंसिल करने की। तो यस, कैंसिल वाला ऑर्डर या कैंसिल ना करने वाला ऑर्डर 6 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इशूड बाय द पीसीआईटी और सीआईटी। सर जो पहली नोटिस भेजी जाएगी, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा, तुमसे इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, तुमसे इंक्वायरी कलेक्ट की जाएगी, यहां पर जो नोटिस भेजने की बात हो रही है इसमें, वो नोटिस जिस क्वार्टर में भेजी जाएगी उसके एंड से 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर बी या सी वाला पास हो जाना चाहिए। बस 6 महीने की टाइम लिमिट है, लेकिन फ्रॉम द मंथ एंड नहीं है, फ्रॉम द डेट नहीं है, ये एक नया बात है। क्या? फ्रॉम द क्वार्टर एंड। ऐसी बात और कहीं हमने क्लास में नहीं पढ़ी, वॉल्यूम 5 में कहीं है ही नहीं, क्वार्टर एंड का कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। सर ये क्वार्टर एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे नहीं लगता है कि हमने 5 वॉल्यूम में कहीं पढ़ा है। मंथ एंड पढ़ा है, डेट पढ़ा है, ईयर एंड पढ़ा है, क्वार्टर एंड का पहली बार कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। सर स्पेसिफाइड वॉल्यूशन की ये लिस्ट है, बहुत सिंपल है कि आप ट्रस्ट के जो इनकम है उसको किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हो, ट्रस्ट को जो पीजीबीपी की इनकम आ रही है वो बिजनेस ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंसिडेंटल नहीं है और है तो तुम उसका बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो। सर ट्रस्ट के इनकम को प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, नॉट फॉर पब्लिक। सर ट्रस्ट को किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के इनकम के लिए यूज कर रहे हो ट्रस्ट की इनकम को, या फिर ट्रस्ट की जो एक्टिविटी तुम रन कर रहे हो वो जेन्युइन नहीं है, या फिर जिस कंडीशन के बेसिस पर तुमको रजिस्ट्रेशन मिला था वो कंडीशन की वॉयलेशन कर रहे हो, या फिर किसी और लॉ में तुमने वॉयलेशन किया है, कोई और लॉ है जिसके थ्रू ट्रस्ट गाइड हो रहा है, वहां वॉयलेशन हुआ है और वहां पर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, फाइनलिटी पे पहुंच गया है कि यस यू आर वॉयलेटिंग सम अदर लॉ, तुम चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इनकम टैक्स में तुमने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, मान लो तुम कोई फीमा एक्ट है या कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई डोनेशन का एक्ट है, वहां कोई तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया है और वहां पर ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर डिस्प्यूटेड भी नहीं है और कोर्ट में भी गए लेकिन वहां भी तुम हार गए और वहां डिसीजन यही आया है कि तुमने हाँ वॉयलेशन किया है, तो वो भी एक बेसिस बन सकता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन यहाँ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। सर स्पेसिफाइड वॉयलेशन 6 केसेस हैं जिसके बेसिस पर नोटिस आ सकती है, प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो सकती है और 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। 3 सिचुएशन है जिसमें ये कार्यक्रम जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का वो स्टार्ट हो सकता है। 1, पीसीआईटी और सीआईटी खुद नोटिस करे कि स्पेसिफाइड वॉयलेशन हुआ है। 2, एओ रिक्वेस्ट करता है कि सर ये स्पेसिफाइड वॉयलेशन हुआ है। 3, जो सिविलिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से केस सेलेक्ट हो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। चलिए सर आगे चलते हैं। सर ये एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर ट्रस्ट कोई बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करे ऑथर फाउंडर और या फिर ना ट्रस्टीज को तो 30% का टैक्स है सर, साथ साथ पेनल्टी भी है, तो यही बात ध्यान रखनी है तुमको, साथ साथ पेनल्टी भी है। पेनल्टी का एक नया सेक्शन आया है 271AAE जो बोलता है मान लो तुमने 3 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया ट्रस्टी को तो 3 लाख पे 30% का टैक्स तो देना ही देना है प्लस 3 लाख की पेनल्टी देनी है, 100% की पेनल्टी देनी है। जितना भी तुम इनकम, ट्रस्ट की इनकम है 5 लाख राइट, अब 5 लाख का फायदा तुमने ट्रस्टी को पर्सनली पहुंचाया इन द वॉयलेशन तो उस पर 30% का टैक्स भी देना होगा और 5 लाख का फायदे पर 5 लाख की पेनल्टी है। और सब्सिक्वेंट सिमिलर वॉयलेशन करोगे सब्सिक्वेंट ईयर में, सर अगले ईयर में फिर से तुमने उसी ट्रस्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है तो पेनल्टी का अमाउंट डबल हो जाएगा, कितना 200%। तो प्लीज ध्यान रखना। और गिफ्ट के प्रोविजंस भी नहीं लगेंगे, मतलब गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा अगर हम ट्रस्टीज फाउंडर और है ना डोनर जो 50,000 से अधिक डोनेशन करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में लोगों को हम फायदा पहुंचाते हैं
तो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रस्ट ने 5 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया किसको? ट्रस्टी को। 5 लाख रुपया का एक तरह से गिफ्ट दे, पैसा दे दिया, कोई हेल्प कर दी, फाइनेंशियल हेल्प। तो गिफ्ट के प्रोविजंस ट्रस्टी के हाथ में लग जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएगा वहां। ठीक, पढ़े आईओएस की क्लास में अमेंडमेंट्स में। 30% का टैक्स भी लगेगा, ये भी बात हो गई, और 100% और 200% की पेनल्टी भी लगेगी। पहली बार कॉन्ट्रावेंशन पे 100% की पेनल्टी, और सेम वायलेशन करोगे, रिपीट करोगे अगले सालों में, तो फिर 200% की पेनल्टी। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है बस। और कोई छोटी सी एक ये अमेंडमेंट्स है लास्ट, और हमारा सारा डिस्कशन हो गया है ट्रस्ट से रिलेटेड। ये लास्ट अमेंडमेंट्स क्या कहता है सर? कभी कभी ट्रस्ट को हम सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं देते हैं, तो फिर उसकी इनकम कैसे कॉम्प्यूट करनी है? स्पेशल केस सर, ट्रस्ट ने कुछ वायलेशन किए हैं, अब ट्रस्ट को हम 11-12 का बेनिफिट बिना दिए उसकी इनकम कॉम्प्यूट करेंगे। कैसी वायलेशन? सर वो ट्रस्ट चौथी कैटेगरी में फॉल कर रहा है और उसकी रिसीट 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा हो गई है ना, कंसिडरेशन जो वो लेता है। हम लोग क्लास में पढ़े पहले पेज पे, एडवांसमेंट ऑफ अदर, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला काम करते हो, उसके लिए तुम कोई बिजनेस रन कर रहे हो और वहां तुम्हारी कलेक्शन टोटल कलेक्शन का 20% से अधिक हो गई है, तो उस केस में हम तुम्हें सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं देंगे, तो फिर इनकम कैसे कॉम्प्यूट करेंगे जो इस पेज पे लिखा है? या फिर तुम बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, या फिर तुम बुक्स की ऑडिट नहीं करवा रहे हो, या फिर तुम टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। सर इन चार केसेस में, इन चार केसेस में तुम्हारा जो हम इनकम कॉम्प्यूट करेंगे, तो उसके लिए हम तुम्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन देंगे जो तुमने पैसा खर्च किया है ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए आफ्टर अलाउइंग। सर नॉर्मली जो नॉर्मली क्या कहता है, अगर तुमने ये चार वॉयलेशन किए हैं, तुमने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की है, तुमने बुक्स ऑडिट नहीं करवाई है, तुम बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, और या फिर तुम्हारी जो रिसीट है ट्रेड से वो 20% से अधिक हो गई है, तो सेक्शन 11-12 के जो बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम 5 साल के लिए पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम दूसरों को डोनेट कर सकते हो, वो सब बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए जो तुमने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, मान लो तुम गरीबों की सेवा करने वाले ट्रस्ट थे और गरीबों की तुमने सेवा एक्चुअली में की है, तो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अगर तुमने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, बट तुम अगर अपने कॉर्पस में से कोई खर्चा कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारे कॉर्पस फंड से नहीं होना चाहिए। तुम कोई लोन बोरो करके उस पैसे को खर्च कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया लेकिन 5 लाख का लोन लेके, तो तुमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर तुमने अगर कोई मशीन खरीदी है पहले एज ए एप्लीकेशन, ट्रस्ट की इनकम को तुमने कोई कैपिटल एसेट खरीदने में लगाया हुआ है, तो उस पर डेप्रिसिएशन, ये तुम लोग पहले ही क्लास में पढ़े हुए हैं कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है एसेट्स पे, अगर तुमने ट्रस्ट की जो इनकम है उसमें से एसेट को खरीदा है और एप्लीकेशन बोल के माइनस कर रखा है पहले। सर किसी दूसरे को अगर तुम डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो उसका डिडक्शन तुमको इस केस में नहीं मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रस्ट की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो उसका बेनिफिट मिलेगा, इवन इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वॉयलेशंस। बट आप वो पैसा किस कोई लोन से ना करो, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा एसेट्स पे, कॉर्पस से पैसा खर्च ना करो, किसी और को डोनेशन वगैरह ना दो, कॉन्ट्रीब्यूशन ना दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल का नहीं मिलेगा। बाकी सर ये जो सेक्शन है पीजीबीपी वाले, ये अप्लाई होंगे, वो टीडीएस नहीं काटे हो तो 30% का खर्चा डिसअलाओ। ये जो सेक्शन है पीजीबीपी वाला कि अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो तो 10,000 तक की लिमिट, ये सब अप्लाई होगी, ये सब अप्लाई होगी सर। बट कोई और खर्चा, कोई और लॉस, कोई और सेट ऑफ ऑफ लॉस आपको डिडक्शन बेनिफिट लेने नहीं देंगे। अगर इन चार केसेस में आप फंस रहे हो, तो ट्रस्ट की जो इनकम है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट का से मैच कर रहा हो, ट्रस्ट की ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली खर्चा हो रहा हो, ये कंडीशंस लग गई, और साथ में बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम
टीडीएस का कंप्लायंस चेक करेंगे, 10,000 की लिमिट भी चेक करेंगे, तुमको कोई और खर्चे का डिडक्शन नहीं लेने देंगे. नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस और सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द एसएससी अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. सर ये जो आपने पढ़ा पॉइंट सी पॉइंट बी, ये कब अप्लाई होगा? इन चार सिचुएशंस में. स्पेशल केस बोल के आप इसको पढ़ सकते हो, चांस कम है इसका एग्जाम में आने का, एग्जाम में आने का चांस कम रहेगा इस पेज का. ठीक, ये पेज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको देखना ही है. और ये छह केसेस कौन से हैं मैंने आपको लिंक भी कर दिया और जगह जगह लिख भी दिया है नोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हो चुका. सर ये वाला जो पोर्शन है पेनल्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट पहुंचाओगे तो 30% का तो टैक्स है ही है, पेनल्टी भी लगेगी 100% की और पेनल्टी रिपीट होगी. ठीक है, तो फिर पेनल्टी का अमाउंट, वायलेशन अगर रिपीट होगी तो पेनल्टी का अमाउंट 200% तक जा सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. स्पेसिफाइड वायलेशन की लिस्ट आपको ये थोड़ी सी देखनी पड़ेगी एग्जाम में लिखने के हिसाब से, उसके अलावा तो ठीक है. ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर वाली बात इस पेज पे खाली ध्यान रखनी है, काम बन जाएगा. और तो जो इसे पहले पढ़ते थे 10 साल की एमसीक्यूज वाली बात हो ही गई जी, ये सब लिमिट टेबल आप पहले पढ़े हुए हैं, आपको ध्यान होगा ही. हाँ ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, 6th ईयर का अब बेनिफिट नहीं मिलेगा, 5th ईयर तक ही देखना है, ध्यान रखना. 5 साल के अंत में पैसे को 30% से टैक्स कर देना जो तुम पैसा खर्च ना कर पाओ, 6th ईयर में अगर कुछ खर्चा किए हो तो उसका बेनिफिट तुम मत लेना, और कोई खास नहीं. हाँ ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, पेड बेसिस पर तुमको बेनिफिट मिलेगा किसी भी खर्चे का ट्रस्ट की इनकम निकालते समय. बस चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.